जी साउथ इंडस्ट्रीज़ में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीजें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक like उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी सर की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को

साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीजें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी सर की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है की आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर

आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा बात करें यहां पर किस की जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम डन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजे में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए अः जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी चंद सर की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आप आगे एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें

को एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन uh, भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा मास मसाला देखने को मिलेगा एंड और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल well, तो तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीजें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज और डिसेंट सी इस की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली तो डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बड़े अन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ तो हम आगे बात करें यहाँ पर की कि इस इस मूवी मूवी का क्या है हमें इस में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा जी आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन भी बहुत अच्छे

तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीजें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आईएमडीबी रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें

को एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन uh, भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा मास मसाला देखने को मिलेगा एंड और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन तो ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बड़े अन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक like उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज़ की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को

साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेजेंट सी, सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर

आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के टाइम ड्यूरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो की बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉमेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली एं, ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को

साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज और डिसेंट सी डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीजें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज की गई कहाँ पर रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर किस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर

आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है आजकल के टाइम ड्यूरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े अन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी सर की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज़ और डिसेंट सी इस की रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी सर की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी

तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अंजान, अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज़ की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेजेंट सी, और सी इस की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अनजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज़ की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें

को एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा मास मसाला देखने को मिलेगा एंड और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर किस मूवी की जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अंजानी अन्जान... पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद सेर की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे आया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगो वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगो दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉमेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को

साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर 97 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज़ ही और डिसेंट सी इस की रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अंजान, अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर

तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अंजानी अजान, पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगु वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफ़िनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज़ की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को

साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी भीमा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम डोरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहां पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजानी अजान, पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा और उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहे वल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए मा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर 9.2 आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर

आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है आजकल के टाइम ड्यूरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजानी अंजा, पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा और उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये मूवी प्योर हिंदी जुबान की मूवी नहीं है ये एक तेलुगो वर्जन की मूवी है जिसे इंडिया में हिंदी प्लस तेलुगो दोनों लैंग्वेज में रिलीज किया गया है इसमें म्यूजिक जो है वो रवि बसरूर ने दिया है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा गया है तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी सर की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया था इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई एंड इसी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर नाइनटी सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज़ और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम रखी गई है क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा और उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहे वल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड uh, मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी चंद की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक चांस देना चाहिए मा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें

को एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एक्शन uh, भी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा मास मसाला देखने को मिलेगा एंड और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम डोरेशन रखी गई है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहां पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी सी और डिसेंट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा और उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी सर के बारे में अगर आप लोगों इनकी कुछ मूवीज देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर गोपी सर की एक आ, आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए भीमा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो को एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मा आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें okay तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन पॉइंट टू आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई एंड इसी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज़ ही और डिसेंट सी इस की रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा और उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

तो ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सिनेमा घरों में देखने को मिल रही है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए वल well, तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ में वैसे तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से हर एक मूवी के अंदर मनवाया है एंड बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया है लेकिन एक ऐसे करेक्टर हैं जिनका मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो फैन रहा हूँ कुछ चीज़ें उनकी बहुत ही अच्छी लगती हैं जस्ट लाइक उन्होंने कुछ मूवीज़ ऐसी दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड मुझे ऐसे देखने से लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को भी इनकी इन मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए जस्ट uh, लाइक like, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जी गोपी चंद सर के बारे में अगर आप लोगों ने इनकी कुछ मूवीज़ देख रखी हैं तो आप लोग भी डेफिनेटली ये बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ वो गोपी सर की एक आने वाली मूवी जो कि हाँ आज रिलीज की गई है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक चांस देना चाहिए मा जो कि साल 2024 में रिलीज की गई है अगर आप लोगों ने इस मूवी को एक चांस दे दिया है तो हाँ वेल एंड गुड आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी से दीजिएगा लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को एक चांस नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का चांस ज़ाया ना जाए आप लोगों को कोई भी टाइम जो टाइम आया वो आपका ज़ाया ना जाए पैसे ज़ाया ना जाए तो दैट्स वाई आप लोग हमारी इस वीडियो तो को तो एक मरतबा एक चांस दे दीजिएगा तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिटेल्स कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई है किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई कहाँ पर रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिए

तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस मूवी की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड यहाँ पर कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें जो है वो देखने को मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जस्ट लाइक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर गोपी देखने को मिलेंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे मलाविका शर्मा देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को आई रेटिंग क्या देखने को मिलती है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की ही बात करें तो इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो है जी यहाँ पर नाइन टू आउट ऑफ टेन जो कि काफी अच्छी खासी आई एंड इसी बी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहां पर मूवी को के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दीजिएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े

करें यहां पर मूवी की जो है वो टाइम कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है ये बस एवरेज़ ही और डिसेंट सी इस की टाइम रखी गई है क्योंकि टाइम डोरेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आजकल के इस बिजी दौर में टाइम ड्यूरेशन जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली डेफिनेटली होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर हम बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर मूवी के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर हैंडल किया है ए हर्षा ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें से चंदिक मूवीज़ के नेम मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ तो इन्होंने पास्ट में अनजान अंजानी पुत्रा उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बजरंगी बजरंगी सेकेंड पार्ट वैधा और उसी के साथ साथ चिंगारी और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम

काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एक चांस देना चाहिए